हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। लो जी, हरियाणा में एक और भर्ती निकल गई है। इसके अंदर आपके प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है, पीएन की वैकेंसी है, स्वीपर की वैकेंसी है, लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है, जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है फरीदाबाद कोर्ट में। जी हाँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये आपकी भर्ती निकली है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ये जो पोस्ट निकली है अलग अलग प्रकार से है, हम देखेंगे। और लगभग 50 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए रखी गई है, तो देख लेते हैं एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपकी वो है प्रोसेस सर्वर की, ठीक है। इसके अंदर 15 पोस्ट है, पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्योरली टेम्परेरी वैकेंसी, टेम्परेरी है, सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन ये रेगुलर बेस पे है, ठीक है। वैकेंसी टेम्परेरी है, सरकारी नहीं है, लेकिन रेगुलर है, ठीक है। उसके बाद में पीएन, यानी कि यदि आप लग जाते हो तो अटने के बहुत कम चांस है दोस्तों। प्रोसेस सर्वर में यदि हम बात करें, इसमें लग जाओगे ना तो बहुत कम चांस है आपके हटने की। पीएन की 36 पोस्ट है, पे स्केल आप यहाँ पे देखिए सेम वही है, टेम्परेरी वैकेंसी है लेकिन रेगुलर बेस पे है, ठीक है, हटने के बहुत कम चांसेस है। स्वीपर की एक वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल, ये भी आपकी रेगुलर बेस पे है। लिफ्ट ऑपरेटर 2 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी, ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 29 फरवरी 2024 तक ही आपको रखा जाएगा, ठीक है। और इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है यदि हाई कोर्ट परमिशन दे देता है तो। उसके बाद में जनरेटर ऑपरेटर 1 पोस्ट है, सेम ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल है, ये वाली ही, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है, स्वीपर की वैकेंसी है, और आपकी पीएन की और आपकी प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ तक हम आ गए हैं, आगे भी इसकी डिटेल मैं सारी बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे भी सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कहाँ कहाँ से भर सकता है, लास्ट डेट क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। हरियाणा का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए प्रोसेस सर्वर की हम बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, हिंदी या पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पीएन की यदि बात करें, जिसने 8वीं पास की हो और हिंदी या पंजाबी का ज्ञान हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। स्वीपर की दोस्तों एक्सपीरियंस हो जिसको इस काम का, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लिफ्ट ऑपरेटर 10वीं होनी चाहिए दोस्तों, हिंदी या संस्कृत ज़रूर होनी चाहिए 10वीं में, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास लिफ्ट ऑपरेशन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरेटर ऑपरेटर, या इसमें क्या है, 10वीं होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट ज़रूरी है, या तो हिंदी हो या संस्कृत हो, साथ में दोस्तों 8 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास जनरेटर ऑपरेटर का, ठीक है जी। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 18 से 42 साल एज लिमिट है, एज की काउंटिंग 1/1/2023 इस डेट से की जाएगी। जो रिजर्वेशन मिलता है, जो छूट मिलती है कैटेगरी वाइज, वो आपको अलग से दी जाएगी। लास्ट डेट क्या है जी फॉर्म भरने की, 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है।
यदि आप दो पोस्ट के लिए, ये तीन पोस्ट के लिए, जितनी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उन सभी के लिए आपको अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों? ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरना है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है आपको। एक प्रिंट आउट पे आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लगाने हैं, और आपको इस एड्रेस पर द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, फरीदाबाद, इस एड्रेस पर आपको पहुंचाना है दोस्तों। कब तक? 23 तारीख तक, ठीक है। ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरना है, दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की डेट अलग से बताई जाएगी। जो भी इंटरव्यू वगैरह की डेट आएगी ना तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका, वैसे आप सिंपल कागज़ पे भी अपनी सारी डिटेल लिख सकते हैं, बाकी आप प्रोफेशनल चलना चाहें तो इसके लिए जो फॉर्म है वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूँगा, और ये जो PDF है ये भी शेयर कर दूँगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिलेक्शन कैसे होगा? इंटरव्यू बेस पे होगा। फॉर्म कैसे भरना है? ऑफलाइन तरीके से भरना है। लास्ट डेट क्या है? 23 अक्टूबर है। यहाँ पे वैकेंसी आपकी टेम्परेरी भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भी है, रेगुलर भी है। तो कुछ वैकेंसी तो ऐसी है जो टेम्परेरी तो है लेकिन रेगुलर बेस पे है, ठीक है, कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है डायरेक्टली। तो दोस्तों ये थी आपके लिए अपडेट, वीडियो पसंद आई होगी। और भी बहुत सारी जगह पे भर्ती आई हुई है, चैनल पे आप विजिट कर लीजिएगा, या आप मेरा नंबर है व्हाट्सअप का उस पे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपके लिए जो भी जॉब एलिजिबल होगी आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको बता दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।